सही में यही तो फायदा है सबसे बड़ा। चलिए अब मैं आ गया हूँ तो भी आई थिंक हमें उस तरफ जा। चलते हैं बाईस वाली स्ट्रीट को थोड़ा समझ के आना है। ये पुलिस वाले घूम रहे थे शायद। आई लव इस्तांबुल। इस कैमर टैक्सी भी तो कैसे खड़ी है एकदम। ट्रैफिक अच्छा खासा है, बहुत ट्रैफिक है। ये देखो यार यहाँ कितना स्लोप है। गूगल दिखा रहा है 2 मिनट भाई, 2 मिनट में चढ़ा जा रहा है इतना भयंकर सा स्लोप। और ये येलो टैक्सी स्कैमर टैक्सी भी कह सकते हो आप। जिन आदमी इस्तांबुल में रह लेना तो उसका जो है ना कार्डियो एक्सरसाइज तो अपने आप हो जाएगी। कितनी चढ़ाई है यहाँ पे। तो भाई ये है तस्कीम स्क्वायर, फाइनली हम पहुँच गए। और काफ़ी मस्त है यार यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गजब का एनवायरनमेंट है, सुबह है। वैसे यहाँ जब आओ संभल के रहना, यहाँ पे स्कैम बहुत होते हैं, थोड़ा संभल के रहना। यहाँ पे क्या स्कैम होते हैं बताऊँगा आपको बाद में। स्कैम आँखें खुली रखना अपनी, चौकन्ने रहना, मोबाइल वोबाइल का ध्यान रखना, साफ़ करने में माहिर होते हैं कुछ लोग तो ये चीज़। और आई लव इस्तांबुल आप देख सकते होंगे, कुछ ऐसा सा देख सकते हो भाई। तो ये है तकसीम स्क्वायर, मस्त है यार वैसे ये जगह, बहुत ही ज़्यादा लाइवली है। आप यहाँ किसी भी टाइम आओ, दिन में आओ रात में आओ, बढ़िया ही मिलेगा, मतलब आपको मज़ा ही आएगा। यहाँ ट्रैम चलती है नॉर्मली, ये ट्रैम का रास्ता है। और ये पुलिस वाले घूम रहे दिखे हैं यहाँ पे शायद। और अब हम जाते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, देखता हूँ कहाँ से है उसकी एंट्री आई थिंक। सो फाइनली अब मैं आ गया हूँ वापस से तस्कीम वाले मेट्रो स्टेशन पे। अब हमारे पास बैग वैग नहीं है तो आराम से घूमेंगे भाई। देखते हैं भाई जहाँ हमें जाना है वो कौन सी जाती है टैक्सी। अच्छा यहाँ एक चीज़ हो रहा है, हमारे यहाँ नॉर्मली हर क्या होता है कि लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है राइट साइड से जाते हैं, लेफ्ट से आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लोग खड़े भी अपने राइट साइड में होते हैं। चीज़ है ये थोड़ा मतलब अलग है, कल्चरल शॉक सा लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन ठीक है आदत पड़ जाती है भाई। तस्कीम स्क्वायर के मेट्रो भी पुराने ज़माने की हो रही है बहुत ज़्यादा। और मेट्रो भी मतलब घंटों तक चलना पड़ता है तब जाके आप ट्रेन तक पहुँचते हो, पता नहीं अलग अलग से पैसे इससे बना रखे हैं इन्होंने। ये थोड़ा अजीब लगा मुझे, पुराने से ज़माने की है, देखना ज़रा कैसे खड़ी है एकदम, जैसे मतलब मेट्रो में चढ़ गया मैं, इतनी अजीब सी लग रही है। वैसे मेरे को मज़ा नहीं आ रहा अपनी डेली मेट्रो देख के, इनकी मैं कुछ खास नहीं, पुरानी बनी हुई आई थिंक, अजीब है मतलब जिस टाइम इतना भाग दौड़ करो सब कुछ करो। और मैं गलत में चढ़ गया गलती से, और अब मैं वापसी जा रहा हूँ दूसरी में, स्टेशन पर उतर गया था। सो अब उल्टा एक की जगह 2 स्टेशन जाना पड़ेगा। तो भाई फिलहाल गलाटा जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि मुझे लग रही है भूख। मैं सोच रहा हूँ उस वाली स्ट्रीट पे जाते हैं, एक इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ खाना खाएंगे। सो यार ये तो मतलब एरिया तस्कीम स्क्वायर वाला मस्त है, मतलब यहाँ तो लाइफ लिया है, कितना जी लग रहा है यार, बहुत ही बढ़िया जगह है। तो अभी आई थिंक हमें उस तरफ जाना है, चलते हैं। मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, और ये लगता है ऐसे है जैसे कि यहाँ पर इन्होंने शिप खड़ा कर रखा हो। अब हमें जिस स्ट्रीट पे जाना है भाई, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, भीड़ भीड़ ज़्यादा है। तो चलो भाई चलते हैं, दिखाते हैं आपको। बाईस वाली स्ट्रीट पे थोड़ा संभल के आना है, यहाँ पे मतलब पिक पॉकेट वगैरह का सीन रहता है, तो थोड़ा संभल के स्पेशली नाइट के टाइम में भी, तो फिर भी ठीक है। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है इस टाइम, यहाँ मस्त है, अपना ठंडी हवा चल रही है, चिल है, मतलब माहौल यहाँ गर्मी वर्मी लगी नहीं रही भाई, सही में यही तो फ़ायदा है सबसे बड़ा, यहाँ गर्मी नहीं लग रही है आपको, ये चीज़ बड़े बड़ी मस्त लगी। मस्त हवा चल रही है, गजब का वेदर है। एक मुस्तफ़ा की दुकान है भाई, इसमें से मिठाई खाने आएंगे बाद में। तो दोस्तों ये जो स्ट्रीट है यहाँ पे जहाँ मैं घूम रहा हूँ, ये इसका नाम इस्तग़लाल स्ट्रीट है, और ये काफ़ी फेमस स्ट्रीट है इस्तांबुल की।
तो जब आप इस्तांबुल अगर कभी घूमने आते हो तो यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए, और यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है। मेरा होटल इसी के पास में था तो मैं तो यहाँ पे काफ़ी बार कई बार घूमा, दिन में रात में जब भी मुझे टाइम लगा मैं यहाँ पे घूमता रहा। और सही बताऊँ सिर्फ इस स्ट्रीट पे वॉक करना, जो कि लगभग एक घंटे की वॉक हो सकती है जाना और वापस आना, उसमें बहुत मज़ा आता है। अगर आप इस पे सीधे चलते जाओ तो आप सीधा गलाटा टावर पहुंच सकते हो राइट इसके लास्ट में, और इसके यहीं पे आपको काफ़ी सारे करेंसी एक्सचेंज के ऑफिस मिल जाएंगे, होटल्स हैं राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वो मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स हैं, स्वीट की शॉप है, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे शोरूम वगैरह, कपड़े वगैरह परचेज करने आपको क्लोथिंग ब्रांड वगैरह हैं अलग अलग, तो वो भी चीज़ें हैं, और कॉफ़ी शॉप्स वगैरह कैफ़े वगैरह काफ़ी हैं, तो उसको भी आप इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे ना सही में मुझे इतना मज़ा आता था, मैं आने वाले ब्लॉग्स में आप देखोगे और कि किस तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो ट्रैम है यहाँ पे, ये ट्रैम भी चलती है, और इस ट्रैम में बैठ के आप पूरी इस स्ट्रीट पे जो है ना, इस ट्रैम में बैठ के भी इस स्ट्रीट को इंजॉय कर सकते हो। देख रहे होंगे आप जैसे ये ट्रैम जा रही है, तो इसमें भी आप इंजॉय कर सकते हो, उसका इसकी जो पेमेंट है वो आप कर सकते हो, जो लगभग इंडियन रुपीज़ में 70 रुपये के आसपास होगी, या फिर 70 से 80 रुपये लगभग कटते हैं इंडियन रुपीज़ में इसमें एक तरफ की राइड करने के। तो ये चीज़ है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। आने वाले व्लॉग्स में आप देखोगे मैं यहाँ पे अलग अलग एंगल से आपको ये स्ट्रीट दिखाऊंगा, रात में दिन में अलग अलग टाइम में यहाँ पे काफ़ी मैंने ट्रैवल किया था इस स्ट्रीट पे, क्योंकि मेरा होटल इसी के पास में मैंने लिया हुआ था ताकि मैं यहाँ पे आराम से वॉक कर सकूँ। सो यार ये काफ़ी अच्छी जगह है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सभी को यहाँ पे आना चाहिए। और इस स्ट्रीट चली गई भाई, रेस्टोरेंट ही नहीं मिल रहा इतनी देरों के ढूंढते हुए, तो फाइनली मैं इधर ही पहुँच गया गलाटा में। सो काफ़ी सारी शॉप वॉप्स हैं भाई यहाँ, तो मैं चलो भाई गलाटा ही देख लेते हैं कैसा है कैसा नहीं, थोड़ा सा घूम के एक आइडिया सा ले लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे भाई ढूंढेंगे, जब नेट चल जाएगा तब देखेंगे कहाँ है रेस्टोरेंट। काम का समय गलाटा टावर से ऐसे ही पहुंच गया मजाक मजाक में, कह रहे कोई पियर कहाँ है अब ये देखना पड़ेगा, आई थिंक नीचे कह रहे कोई पियर है, पता नहीं यार अब कहाँ जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट को कहीं बैठूँ यार भाई, ये देखो ये लोग पीछे से लेके और यहाँ तक गलाटा में जाने के अंदर लाइन में लगी हूँ मैं, सोचो। और टिकट भी अच्छे खासे पैसों का है, छोटा मोटा नहीं है, तो फिर इतनी लंबी लाइन में भी लगो, ये सिस्टम मुझे बढ़िया नहीं लगता। व्यू अच्छा आता है वैसे इस्तांबुल का, अगर आप फुर्सत हो सीट मिले तो कभी आके देखना ऊपर से, ये चीज़ है। लेकिन यार इतनी भीड़ भीड़ में ना मेरा मन नहीं करता फिर जाने का, ये चीज़ है। यार मैं सोच रहा हूँ यार ये यहाँ का मतलब मज़ा ही अलग लगा, इतनी मस्त हवा चल रही है, ऐसी नज़ारे से हैं, क्या क्या बेहतरीन चीज है यार, ये है मज़ेदार है, सुपर यार, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज। चेस की पीस भी करे हैं, अच्छा बना रखा है ड्रीम बोर्ड के साथ, और भी कुछ गया है अच्छा बना रखा है, काफ़ी सही लग रहा है। ये देखो इसमें ये इंडिकेटर किस से बना ली उन्होंने, इस पर थोड़ी नक्काशी सी कर रखी है, मार्केट अच्छी है घूमने के लिए। भाई घूमते घूमते मैं कहाँ आ गया मुझे नहीं पता पर मैं आ गया।